All right, so what we have learned so far in this chapter, I still see some students getting confused. This is no big deal, बहुत सिंपल सा चैप्टर है. अब तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा था किरचॉफ्स करंट लॉ. मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ को आप किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोलते हो. What was the idea behind junction law? It's pretty simple thing. हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बहुत सारे ब्रांचेस है ना. हो सकता है हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है, एंड देयर सम सोर्सेस ऑफ करंट, है ना. तो करंट I1 इज मूविंग टूवर्ड्स जंक्शन P. और ये जो करंट I1 है, इट इज गेटिंग स्प्लिटेड एट दिस जंक्शन इनटू I2 एंड I3, राइट. हमको जंक्शन लॉ क्या बताता है? दैट समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो. मतलब नेट गेन और लॉस ऑफ चार्जेस एट अ जंक्शन पॉइंट P इज जीरो. ओके, जस्ट अ मिनट. राइट, तो साइन कन्वेंशंस रियली आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर. क्यों? क्योंकि अगर साइन कन्वेंशंस सही से यूज नहीं किए गए तो ये लॉ कभी वेरीफाई होगा ही नहीं. साइन कन्वेंशन क्या था? एक ही साइन कन्वेंशन है, द करंट्स मूविंग गोइंग टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट P इज टेकन टू बी पॉजिटिव. मतलब I1 विल बी पॉजिटिव एंड द करंट्स leaving the junction or moving away from the junction are taken to be negative. मतलब I2 and I3 will be negative. इसका मतलब I1 equal to I2 plus I3 ऐसा लिख सकते हैं. इसका मतलब current entering the junction is equal to current leaving the junction. इसका मतलब there is no net gain or loss of charges at a junction point. ये था Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट. अब हमने सेकेंड लॉ सीखा था एंड सेकेंड लॉ इससे भी लॉजिकली इजी है अगर थोड़ा समझोगे तो उस चीज को. मैं आपको ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं. हम लोग, हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल है, टीवी का रिमोट होगा या एयर कंडीशन का रिमोट होगा. हम उसमें बैटरी लगाते हैं, राइट. तो कुछ टाइम के बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, हमको बैटरी चेंज करनी पड़ती है. क्यों चेंज करनी पड़ती है? क्योंकि उस रिमोट कंट्रोल में जो भी कंपोनेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक पहला रेजिस्टेंस था R1, फिर और एक रेजिस्टेंस था R2, राइट. तो जो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी स्टोर्ड बेसिकली, मतलब जो EMF प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, वो EMF कौन यूज कर रहा है? रेजिस्टेंसेस यूज कर रहे हैं. मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा. पोटेंशियल का ड्रॉप कहाँ कहाँ होगा? जहां जहां पे रेजिस्टेंसेस होंगे वहां वहां होगा. तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा आपका I into R1, क्योंकि करंट ड्यू टू दिस बैटरी इज बेसिकली I इन द सर्किट इन दिस पर्टिकुलर लूप, करेक्ट. और R2 के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा? IR2, करेक्ट. तो किरचॉफ्स लूप लॉ हमको ये बताता है, इन शॉर्ट इट टेल्स अस समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस और ड्रॉप्स प्लस द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड द समेशन ऑफ ऑल द सोर्सेस ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज इक्वल टू जीरो. लॉजिकली भी वही है. अगर मैं 2 बैटरी लगाता हूं तो दोनों बैटरी का एनर्जी जितने भी कंपोनेंट्स है वही यूज करने वाले हैं. जैसे आपका जो वॉल क्लॉक होता है, उस वॉल क्लॉक में आप नॉर्मली 1 सेल डालते हो,
एक बैटरी डालते हो बेसिकली, तो वो सिंगल बैटरी का एनर्जी कौन यूज कर रहा है? रेजिस्टेंसेस। दो सेल होंगे तो वो दो को कौन यूज करेगा? रेजिस्टेंसेस यूज करेंगे दोनों को वही। तो समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप एंड समेशन ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। दिस इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन अ क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, एक ही चीज है, तीन नाम है उसके, राइट। अब जब हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे, सर्किट एनालिसिस मतलब क्या, हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, राइट। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसमें अलग अलग ब्रांच में अलग अलग करंट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बैटरी है यहाँ पे विथ ईएमएफ E1, यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है R2, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R3, नीचे आया यहाँ पे रेजिस्टेंस है R4, फिर यहाँ पे और एक बैटरी है E2, फिर और एक रेजिस्टेंस है R5, राइट। और ये ऐसा सर्किट है, लेट मी गिव इट सम नेम, लेट अस से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई एंड एफ। हमको ये देखना है हर एक ब्रांच में करंट कितना है। तो करंट फॉर एग्जाम्पल, अगर E1 बैटरी ने I1 करंट ड्राइव कर दिया और E2 बैटरी ने I2 करंट ड्रॉप कर दिया, तो B पॉइंट पे आके जंक्शन पॉइंट है, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा एडिशन, I1 + I2 आ जाएगा। E पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे करंट वापस स्प्लिट हो जाएगा, I2 गया अपने अपने बैटरी की तरफ और I1 गया अपनी बैटरी की तरफ, करेक्ट। हमको I1, I2, R1, R2, R3, R4, R5 किसी भी चीज का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हमको इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके ही वैल्यूज मिलती है, करेक्ट। अब इक्वेशन बनाने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा किरचॉफ्स लूप लॉ, और किरचॉफ्स लूप लॉ के दो साइन कन्वेंशंस पता होने चाहिए। तो साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंपल लूप। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन क्या है। दूसरा चीज आपने डिसाइड करना है कि हम सर्किट को ट्रेस कौन से डायरेक्शन में करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोथ आर फाइन, राइट, बोथ आर ओके। अब व्हाट आई मीन बाय ट्रेसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसिंग? हम सिर्फ सर्किट को देख कहां से रहे हैं, कहां से कहां तक, मैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जा रहा हूं, मतलब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, या फिर मैं ए टू डी, डी से सी, सी से बी, बी से ए जा रहा हूं, वो मेरे ऊपर है ना। आई विल डिसाइड कि मुझे सर्किट को ट्रेस कैसे करना है। इफ आई वॉन्ट टू ट्रेस इट एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स ऑन मी, राइट। तो अगर मैं ए डी सी बी ए पार्ट डिसाइड करता हूं, ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए, ये पाथ डिसाइड करता हूं, तो आई एम ट्रेसिंग द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अगर मैं ए बी सी डी ए पाथ डिसाइड करता हूं, मतलब ऐसा उल्टा, तो आई एम ट्रेसिंग द सर्किट और लूप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट फ्लो, राइट। तो इफ आई एम ट्रेसिंग, लेट अस से फ्रॉम ए टू डी, इफ आई एम ट्रेसिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके, करंट का डायरेक्शन क्या है, वही है, ए से डी है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंसेस विल बी टेकन टू बी नेगेटिव इफ यू आर लुकिंग इन अ पर्टिकुलर ब्रांच एंड इफ यू आर लुकिंग इन द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ कन्वेंशनल करंट, देन द पोटेंशियल ड्रॉप इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 विल बी -IR1 एंड अक्रॉस R2 विल बी -IR2।
यही मैं उल्टा करता तो, अगर मैं ट्रेस उल्टी डायरेक्शन में कर रहा हूं तो फिर प्लस आई आर वन प्लस आई आर टू लिखेंगे. दिस इज फर्स्ट साइन कन्वेंशन व्हाइल यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ, राइट. तो अब टेकिंग केस नंबर वन, व्हेन आई वाज ट्रेसिंग फ्रॉम ए टू डी, फिर ए से डी आया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गए, डी से सी कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो एनर्जी यूज नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा. फिर सी से भी सिर्फ बैटरी है और बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव ई लेंगे इक्वल टू जीरो, खत्म. मैं अगर उल्टा ट्रेसिंग करता, मैं डी से ए जाता तो मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप में लूंगा पॉजिटिव. फिर ए से बी जब डी से ए आए, ये डी से ए मिल गया, ये ब्रांच डी, ये जो है हमको ब्रांच डी ए से मिला है. फिर ब्रांच ए बी में कुछ है ही नहीं, नो पोटेंशियल ड्रॉप, डी टू ए, ए टू बी, फिर बी टू सी जा रहा हूं. अब बी टू सी जा रहा हूं तो मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूं, तो मैं नेगेटिव ई लूंगा इक्वल टू जीरो. इन एनी केस ये दोनों ही इक्वेशन, आप ट्रेसिंग कैसे भी करो इक्वेशन सेम ही है, इन दोनों से आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू, राइट. इन दोनों से आपको सेम ही मिल रहा है, देयर इज नो चेंज एट ऑल, बोथ इक्वेशंस आर सेम. That is why I kept example 9.2 as an assignment for you, just to see if you are doing things on your own or not. इसलिए मैंने कल का लेक्चर शॉर्ट रखा था, उसमें सिर्फ मैंने व्हीटस्टोन्स ब्रिज एक्सप्लेन किया था. तो anyways, ये है second law. Okay, good. Then बिफोर मूविंग अहेड, तो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स मैं कल के सेशन में ले लूंगा. अब मुझे व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. और व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और नेक्स्ट टॉपिक मीटर ब्रिज के जो नोट्स है, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन स्कैन फॉर्मेट. तो यहाँ पर टाइपिंग एंड राइटिंग का काम हम लोग नहीं करने वाले, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है तो मुझे वहां पे नोट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. एक बार आपको किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ समझ गया, आपको किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ समझ गया, ये दोनों लॉस यूज करके आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एक नेटवर्क डिजाइन किया है, जिसको व्हीटस्टोन्स नेटवर्क या व्हीटस्टोन्स ब्रिज भी बोलते हैं. बहुत सिंपल नेटवर्क है, एक क्वाड्रिलेटरल लिया है हम लोगों ने, और उस क्वाड्रिलेटरल के हर एक साइड पर रेजिस्टेंस रखा है. ये एक रेजिस्टेंस हो गया आर वन, देन ये आ गया आर टू, देन यहां पे और एक रेजिस्टेंस है, इसको R4 बोला जाता है. डोंट गेट कंफ्यूज बाई कॉलिंग इट एज R3. फिर यहां पे और एक रेजिस्टेंस है, विच इज R3 बेसिकली. इन चारों में से तीन नोन होंगे, कोई भी तीन, और एक अननोन होगा. इसको मैं वर्टाइसेस को मैं नाम दे देता हूं A, B, C एंड D. The idea is कि किसी भी दो diagonally opposite vertices पे या points पे, उसके across हम लोग सोर्स ऑफ EMF मतलब बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं A और C के across मैं EMF मतलब सोर्स ऑफ EMF मतलब बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ की, थ्रू अ की के प्लस माइनस E,
तो बचे हुए जो दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है उसके अक्रॉस हम लोग गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स। एमीटर भी करंट मेजर करता है बट गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल करंट्स, माइक्रो एम्पियर के रेंज में करंट्स मेजर कर सकता है। दैट इज द बेसिक आइडिया। फिर क्या हम बी और डी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अगर आप बी और डी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करोगे तो ए और सी के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगाओगे, इसलिए ब्रांच ए सी और ब्रांच बी डी को बोला जाता है कॉन्जुगेट आर्म्स, क्योंकि जो भी कंडीशंस डिराइव होगी वो एग्जैक्टली सेम रहती है। सो डजंट मैटर इफ यू आर कनेक्टिंग बैटरी ईएमएफ बिटवीन बी डी एंड गैल्वेनोमीटर बिटवीन ए सी, इज द सेम थिंग। ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ ई हमने कनेक्ट किया है वो करंट ड्राइव करेगा आई, देन ए बीइंग जंक्शन पॉइंट अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ करंट विल स्प्लिट, आई वन विल गो फ्रॉम ए टू बी एंड आई टू विल गो फ्रॉम ए टू डी, स्प्लिटिंग ऑफ करंट, राइट। अब बी पॉइंट पे आने के बाद और डी पॉइंट पे आने के बाद बी एंड डी आर अगेन जंक्शन पॉइंट्स, राइट। तो अगर बी का पोटेंशियल डी से ज्यादा होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू डी। अगर डी का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम डी टू बी। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब देर इज नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सो इस केस में आई इज गोइंग फ्रॉम बी टू डी, इस केस में आई इज गोइंग फ्रॉम डी टू बी, और इस केस में देर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, राइट। तो जब पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी दे आर सेम, देन इट इज सेड दैट द नेटवर्क इज बैलेंस्ड। तो नेटवर्क बैलेंस है। नेटवर्क बैलेंस का मतलब क्या होता है कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू जीरो, मतलब बी से डी या डी से बी करंट जा ही नहीं रहा है, और अगर बी से डी या डी से भी करंट नहीं जा रहा है तो आई वन करंट यहाँ पे फ्लो होगा और आई टू करंट यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि सीधा सीधा आई वन करंट ए से बी गया, बी से सी आया, क्योंकि बी से डी कुछ गया ही नहीं। आई टू करंट ए टू डी आया, डी से सी गया, बिकॉज द करंट इज नॉट गोइंग फ्रॉम डी टू बी। फिर सी पॉइंट पे आके विच इज अगेन अ जंक्शन पॉइंट, द करंट्स विल अगेन कंबाइन टू गिव यू आई, टोटल करंट आई, राइट। तो इट इज दैट सिंपल। सो अंडर दैट बैलेंस्ड कंडीशन, क्या था बैलेंसिंग कंडीशन? पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी एंड करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, द नेटवर्क इज बैलेंस्ड। इन दिस केस यू शुड गेट आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाई आर फोर। इस इक्वेशन में चार में से अगर तीन तीन रेजिस्टेंसेस नोन है तो चौथा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। तो ये कंडीशन हमने कैसे डिराइव की, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया है, मैं रिपीट कर रहा हूं। हम सिर्फ यहां पे किरचॉप्स लूप लॉ अप्लाई करने वाले हैं दो लूप्स पे। एक लूप लेंगे हम ए बी जी डी ए, मतलब ये ए बी जी डी ए, ऐसा डायरेक्शन आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो, क्लॉकवाइज ले लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, डजंट मैटर रियली। दूसरा लूप मैं लूंगा सी बी जी डी सी, सी बी जी डी सी,
अगेन डजंट मैटर इफ यू वॉन्ट टू ट्रेस इट इन अपोजिट डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब मैं लूप ए बी जी डी ए इसको ट्रेस कर रहा हूं, तो पहले मैं देखूंगा ए बी ब्रांच में क्या हो रहा है। ए बी ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यस। क्या है पोटेंशियल ड्रॉप? आई वन आर वन। सिर्फ क्वेश्चन यहां पे है कि मैं माइनस लिखूं कि प्लस लिखूं। मैं लिखूंगा माइनस। क्यों माइनस लिखेंगे? क्योंकि करंट का डायरेक्शन ए से बी है और मैं सर्किट को ट्रेस भी ए से बी कर रहा हूं। सो वी आर ट्रेसिंग द सर्किट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, तो आई विल बी राइटिंग डाउन नेगेटिव। फिर बी से डी में बी जी डी यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? देखो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल जी, सो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर इज डिवाइडेड बाय कैपिटल जी ऑलवेज। बट सिंस करंट इज जीरो, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होने वाला, तो यू विल गेट नथिंग फ्रॉम दैट ब्रांच बी जी डी। फिर आगे डी पॉइंट पे, अब डी से ए पे जा रहे हो आप, लेकिन करंट ए से डी पे आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे प्लस आई टू आर थ्री सिंस वी आर ट्रेसिंग द सर्किट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ करंट, दैट इज वाई वी हैव टेकन प्लस, विच मीन्स आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर थ्री इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली वेन यू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू लूप सी बी जी डी सी, अब मैं देखूंगा सी बी ब्रांच में क्या हो रहा है। सी बी ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप है आई वन आर टू, राइट, और हम लोग करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। करंट बी टू सी है, मैं सी टू बी देख रहा हूं, तो प्लस लूंगा, तो प्लस लिखा है। वापस से बी जी डी ब्रांच से यू गेट नथिंग बिकॉज देयर इज नो करंट, नो पोटेंशियल ड्रॉप इन दैट ब्रांच। फिर डी से सी देख रहे हो आप, डी से सी में करंट भी डी टू सी है और आप ट्रेस भी डी टू सी कर रहे हो, राइट, तो ये आ गया आपका माइनस आई टू आर फोर इक्वल टू जीरो, आई वन आर टू इक्वल टू आई टू आर फोर इक्वेशन नंबर टू। वन और टू को आपने डिवाइड कर देना है, कैंसल 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 कैंसल, मिल गया आपको आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर। तो दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ वीटस्टोन्स नेटवर्क, देर इज नथिंग डिफिकल्ट हियर, कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। तो ये हमने कल रिपीट, कल हमने ये लिया था, शॉर्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था, एंड यू आर सपोज टू गो थ्रू दिस, राइट, ओके। सो ये होने के बाद व्हाट वी शुड डू इज, नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं, एंड लेक्चर नंबर थ्री जो कल हुआ था और लेक्चर नंबर फोर जो आज है, इसका कंबाइंड नोट्स इंक्लूडिंग थियरी मैं देने वाला हूं। थियरी दोनों का आने वाला है, सो दैट विल बी इन स्कैंड फॉर्मेट। सो नेक्स्ट टास्क इज हमको देखना है एप्लीकेशन ऑफ वीटस्टोन्स नेटवर्क विच इज मीटर ब्रिज। इसको वीटस्टोन्स मीटर ब्रिज भी बोला जाता है और सिंपली मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ब्रिज, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक वुडन बॉक्स है
वुडन बॉक्स पे हमने एक वायर लिया है एंड दैट वायर लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 meter एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज. लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 meter एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज. देन हमारे पास 2 एल शेप कॉपर प्लेट्स है. मैं एल शेप ड्रॉ करने वाला हूं तो हमारे पास 2 एल शेप्ड कॉपर प्लेट्स है. ये हो गया पहला एल शेप कॉपर प्लेट और एक दूसरा एल शेप कॉपर प्लेट यहां पे है. Correct. So we have 2 L-shaped copper plates, or let us give some name to this. C1, C2. Then we have a metallic copper strip in between. यहाँ पे एक copper metallic strip है. Let us call this as C3. करेक्ट. ओके. देन इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर दैट वी आर यूजिंग इज 1 meter. इसको व्हीटस्टोन्स मीटर ब्रिज क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लोग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क का थियोरी यहां पे अप्लाई करने वाले हैं. इसलिए कैसे करेंगे वो समझेगा. देन अब बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट C1 और C3 में एक गैप है, C2 और C3 में एक गैप है. सो दैट इज लेफ्ट गैप एंड राइट गैप. लेफ्ट गैप इज बिटवीन C1 C3 एंड राइट गैप इज बिटवीन C2 एंड C3. तो ये लेफ्ट और राइट गैप में क्या करते हैं. नॉर्मली लेफ्ट गैप में आप अननोन रेजिस्टेंस लगाओगे, मतलब जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है एक्स मान लेंगे इसको, अननोन रेजिस्टेंस आप लगाओगे. आप राइट गैप में भी लगा सकते हो, बट नॉर्मली इट इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप. राइट, यू कैन पुट इट इन द राइट गैप एज वेल, बट नॉर्मली व्हाइल स्टडिंग थ्योरेटिकली वी प्लेस इट इन द लेफ्ट गैप. कोई फर्क नहीं पड़ता है. देन राइट गैप में आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे. रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि वहां पे आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो. वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड. तो वेरिएबल रेजिस्टर होता है. वेरिएबल रेजिस्टर को आप कभी भी रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो दे के डिनोट करते हो. सो द रेजिस्टेंसेज विच कैन बी वेरीड आर डिनोटेड बाय रेजिस्टेंस एंड अ एरो ऑन दैट. सो दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स. तो रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे की होते हैं. आप एक की निकाल लो वैल्यू चेंज हो गई, आप दूसरा की निकाल लो वैल्यू चेंज हो गई. सो इट इज हाउ यू कैन चेंज वैल्यूज. नाउ व्हाट आई वांट इज दैट यू कंपेयर व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, क्योंकि यहीं पे होता है प्रॉब्लम. यहां पे बच्चे रट्टाबाजी करते हैं और रट्टाबाजी करने वालों को कभी भी चीजें समझ में नहीं आएगी. यू हैव टू कंपेयर ऑलवेज. ए से सी के बीच में हमने व्हीटस्टोन्स नेटवर्क में थ्रू अ की एक बैटरी, मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट किया था बिटवीन ए टू सी. राइट, तो ये पॉइंट मैं ले लेता हूं ए पॉइंट, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं सी पॉइंट. मतलब ये ए और सी के बीच में मुझे कनेक्ट करना है अ सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड अ की. तो व्हाट आई विल डू इज अ वेरी सिंपल थिंग. मैं इस वायर को, एसी वायर को जिसका लेंथ 1 meter था, और बाय द वे इस ये पूरा सेटअप एक वुडन बॉक्स पे है.
तो जहां मैंने वायर एसी को माउंट किया है उसके नीचे एक स्केल भी लगा हुआ होता है। नीचे स्केल है, ए पॉइंट जीरो मार्क करता है, सी पॉइंट 100 सेंटीमीटर मार्क करता है, क्योंकि ये 1 मीटर का वायर है। तो एग्जैक्टली बिलो द वायर यू हैव अ मीटर स्केल माउंटेड। व्हाई? बिकॉज वी विल नीड टू नो डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट सी, वो आगे समझेगा। तो ए से सी के बीच में बैटरी कनेक्ट करना है, तो व्हाट वील डू इज ये वायर एसी को सीरीज में, ये सीरीज में लगा रहा हूं मैं, सीरीज में आई विल बी कनेक्टिंग बैटरी। मैं यहाँ बैटरी लगा दूंगा एंड अ की एंड अ रियोस्टैट। अभी रियोस्टैट क्या होता है यू विल कम टू नो लेटर। ओके, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेरिएबल रजिस्टर, वो भी आप रजिस्टर ही है दैट यू कैन वेरी बेसिकली। तो यहां पे हमने लगा दिया अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, सो यू हैव अ बैटरी ओवर हियर, देन यू हैव अ की ओवर हियर, एंड देन यू हैव अ रियोस्टैट ओवर हियर। दिस इज अ रियोस्टैट आर एच। ओके, राइट, क्लियर। मतलब ए से सी के बीच में हमने बैटरी मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ और की के कनेक्ट करना था, वो हमने कर लिया। देन बी और डी पॉइंट के बीच में हमको गैल्वेनोमीटर लगाना है, राइट? तो और बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसको मैंने आर वन बोला था, इसको मैं यहां पे एक्स बोल रहा हूं। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने आर टू बोला था, इसको मैं यहां पे आर बोल देता हूं। देखो इजी है, तो बी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? बी पॉइंट यहां पे होना चाहिए, दिस इज बी पॉइंट। तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है आर वन विच इज एक्स, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है आर टू विच इज आर हियर, करेक्ट? बी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक गैल्वेनोमीटर निकाल लूंगा थ्रू अ वायर। मतलब गैल्वेनोमीटर का एक एंड बी पॉइंट पे है और दूसरा एंड जो है वो जॉकी। व्हाट इज जॉकी? जॉकी मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है विथ अ पॉइंटर, तो एक पॉइंटर है, मेटालिक पॉइंटर है, तो वो वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच करके हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। तो वी विल कनेक्ट गैल्वेनोमीटर, वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर टू पॉइंट बी विच इज मेटालिक स्ट्रिप सी थ्री, एंड द अदर एंड इज बेसिकली अ जॉकी। ये रेड में मैंने जॉकी बताया है, तो जॉकी इज जस्ट अ मेटेलिक पॉइंटर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीटर ब्रिज। मैं वापस मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बता देता हूं आपको। इट इज अ सिंपल टास्क, इट इज अ प्रिटी सिंपल टास्क। हमने सिर्फ क्या किया, दो एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप लिए, उसके बीच में एक स्ट्रेट कॉपर स्ट्रिप लगा दिया, दो गैप जनरेट हो गए, एक गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस लगाया, दूसरे गैप में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है हम लोगों ने, और ए और सी पॉइंट के बीच में 1 मीटर का वायर लिया है। उस वायर के नीचे एक मीटर स्केल माउंटेड है ऑलरेडी टू मेक मेजरमेंट्स, टू डू मेजरमेंट्स। ए और सी के बीच में हमेशा बैटरी और की कनेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज ये व्हीटस्टोन नेटवर्क का थियरी यूज करने वाला है, तो उसको एग्जैक्टली सेम तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। तो ए और सी के बीच में मैंने बैटरी लगाया है और की लगाया है, राइट? सो दिस इज क्लियर। सिर्फ बात कहाँ आके रुक जाती है, आर थ्री और आर फोर पे। और एक चीज कि वी हैव टू ऑपरेट एवरीथिंग अंडर बैलेंस कंडीशन, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी जीरो, और ऐसा रहा तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, मैं ये
फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, करेक्ट, क्योंकि मुझे आर वन फाइंड करना है, आर वन इज एक्स इफ यू कंपेयर। तो होता क्या है बेसिकली, ये जो लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है वो आर वन है, जो राइट में है वो आर टू है। फिर हमने गैलोनोमीटर लगा दिया जिसका एक पॉइंट बी पॉइंट कनेक्टेड है, एक पॉइंट जॉकी से कनेक्टेड है। तो यहां जो ये लेंथ ऑफ वायर बचा, दिस लेंथ ऑफ वायर एल एक्स, ये जो वायर है, देखो जब मैं बोलता हूं वायर है तो यू शुड नो कि वायर का रेजिस्टेंस होगा। तो ये जो लेंथ है, कौन सा लेंथ है, ए डी, ए डी, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस है, मतलब वो रेजिस्टेंस बन गया आपका आर थ्री। फिर डी से सी, व्हीटस्टोन्स में डी से सी क्या था, आर फोर। और ये लेंथ कितना होगा, इजी है, इसको टेक्सटबुक में बोला है एल आर। अरे पर ये 100 माइनस एल एक्स होगा ना, क्यों 100 माइनस एल एक्स होगा, क्योंकि पूरी वायर का लेंथ कितना था, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। उसमें से अगर ए टू डी एल एक्स हो गया तो डी टू सी 1 मीटर माइनस एल एक्स, मतलब 100 सेंटीमीटर माइनस एल एक्स आ जाएगा, राइट। बट ये बात की बातें हैं, जस्ट टू टेल यू कि ये आर से आर फोर कैसे आएगा, इसलिए मैंने अभी आपको बताया। बट दिस इज अ थिंग दैट शुड बी ब्रॉट इन एट लिटिल लेटर स्टेज। सबसे पहले मीटर ब्रिज को बैलेंसिंग कंडीशन में लाना पड़ेगा। वो कैसे लाते हैं, व्हाट हैपेंस इन बैलेंसिंग कंडीशन, करंट थ्रू गैलेनोमीटर इज जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, तब जाके मैं ये आर वन बाय आर टू इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर यूज कर सकता हूं, नहीं तो मैं यूज नहीं कर सकता, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो जॉकी है, जो रेड में मैंने बताया आपको, आई विल जस्ट राइट ओवर हियर, दिस इज जॉकी जे, ओके। ये जो जॉकी है, जो कनेक्टर है, जो पॉइंटर है, राइट, सबसे पहले प्रोसेस ये है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, आपने की को भी क्लोज कर दिया, मतलब करंट अब फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा यहां से, या यहां से भी बोल सकते हो, करंट फ्लो होगा। नाउ हमको ये जॉकी पहले ए पॉइंट पे टच करना है, तो गैलेनोमीटर में क्या होने वाला है वो देख लो, दिस इज गैलेनोमीटर, ये गैलेनोमीटर का जीरो मार्किंग है। जब मैंने ए पॉइंट पे टच किया तो नीडल जो है गैलेनोमीटर का, इट इज शोइंग मी समथिंग लाइक दिस ऑन द नेगेटिव साइड, करेक्ट, जरूरी नहीं नेगेटिव साइड, मैं मान लेता हूं कि गैलेनोमीटर में 10 का रीडिंग आ रहा था, 10 माइक्रो एम्पियर का रीडिंग आ रहा था, ओके। मैंने ए पॉइंट पर टच किया तो वो दिखा रहा है 6 माइक्रो एम्पियर। फिर मैं ये जॉकी सी पॉइंट पर टच करूंगा, फिर मुझे दिखा रहा है लेट अस से 13 माइक्रो एम्पियर, राइट, मतलब जो ओरिजिनल रीडिंग था उसके अपोजिट साइड्स पे दिखा रहा है। व्हेन यू टच द जॉकी एट ए एंड व्हेन यू टच द जॉकी एट सी, द पॉइंटर ऑफ द गैलोनोमीटर, द रीडिंग ऑफ द गैलोनोमीटर शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड्स ऑफ द ओरिजिनल रीडिंग। ओरिजिनल रीडिंग जीरो हुआ तो माइनस और प्लस ऐसा होना चाहिए, ये कंपल्सरी कंडीशन है, करेक्ट, दिस इज कंपल्सरी कंडीशन दैट द पॉइंटर मस्ट शो यू। मैं तो जीरो मार्किंग ही लेने वाला हूं, आई विल से बेटर इज टू से कि जीरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ए पे कनेक्ट करोगे तो नेगेटिव, सी पे कनेक्ट करोगे तो पॉजिटिव रीडिंग दिखाना चाहिए गैलोनोमीटर में, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है, if the galvanometer is not showing the reading in opposite directions, then आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये resistance vary करना पड़ेगा और rheostat को setting करना पड़ेगा। फिर वापस से आप A point पे जॉकी को touch करोगे, C पे touch करोगे, जब तक galvanometer में reading opposite sides पे नहीं आता zero के या original reading के, तब तक आपको ये setting करते रहना पड़ेगा। Once you have readings in opposite direction, मतलब you are ready to do experiment now.
अब क्या करना, फिर अब जॉकी को यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, तो जॉकी को आप बेसिकली स्लाइड करते जा रहे हो वायर पे, और आपको फाइनली एक पॉइंट मिलेगा, डी पॉइंट, और उस डी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में रीडिंग हो जाएगा 0, एग्जैक्टली 0। इसको बोलते हैं नल पॉइंट। द रीडिंग इन द गैल्वेनोमीटर 0 मींस, इसका मतलब द नेटवर्क इज बैलेंस्ड नाउ, मतलब आई एम रेडी टू यूज R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4, करेक्ट। फिर उस केस में ये जो डिस्टेंस है AD, ये जो लेंथ ऑफ वायर है, इसको मैं बोल दूंगा LX, फिर ये आपका बन गया 100 माइनस LX। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा AD पार्ट का, ये बन जाएगा R3 और ये बन जाएगा R4, राइट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, बट व्हाट इज R3 एंड R4? R3 इज रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर AD एंड R4 इज रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर DC। अप टू दिस पॉइंट इट शुड बी क्लियर 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 क्लियर। नाउ इसकी जरूरत मुझे है नहीं, तो आई एम जस्ट रिमूविंग इट, सिर्फ आपको समझने के लिए कि व्हीटस्टोन्स का आइडिया कहाँ से यूज कर रहे हैं। तो ऐसा है ये। ओके, नाउ R1 था X अननोन रेजिस्टेंस, R2 था R वेरिएबल रेजिस्टेंस विच आई वाज कंट्रोलिंग, मतलब वी वेर कंट्रोलिंग इन शॉर्ट, राइट। देन हाउ डू यू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ वायर? देखो ऐसा है, अगर आपको चार्ज डेंसिटीज समझा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी समझा है, तो फिर रेजिस्टेंस समझना वो डिफिकल्ट नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज सिग्मा, मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज समझाता हूं। मान लो मेरे पास एक 10 मीटर का वायर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है लेट अस से 15 ओहम। माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज रेजिस्टेंस इन 1 मीटर? तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल रेजिस्टेंस को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, है ना। फिर हम बोलते हैं हर एक मीटर में 1.5 ओहम का रेजिस्टेंस हुआ, तो लिखते हैं 1.5 ओहम पर मीटर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस, मान लो मुझे पता करना है कि 2.5 मीटर के लेंथ में कितना रेजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ उठाऊंगा, मतलब क्योंकि पर यूनिट लेंथ है ना ये, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है ना ये, उसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो आई विल मल्टीप्लाई लेंथ विथ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो मुझे मिल जाएगा 2.5 मीटर में कितना रेजिस्टेंस मिल जाएगा। डायमेंशनली भी चेक कर लो, ओहम इज सिग्मा इज ओहम पर मीटर, लेंथ इज मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, मतलब ये मुझे रेजिस्टेंस ही दे रहा है, राइट, बट फॉर अ गिवन लेंथ। तो आई विल अप्लाई दिस आइडिया। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोलूंगा लेट अस से AC वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा है, राइट। तो यहां जो लिखा मैंने R1 बाय R2 इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, मतलब R3, और ऑफ वायर DC R4, तो मैं क्या करूंगा, R3 निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ AD। लेंथ ऑफ AD कितना लिया हमने, LX ले लेंगे, LX लिख लेंगे बराबर, डिवाइड बाय R4। R4 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ वायर DC। अभी मैंने बताया एक वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा इनटू लेंथ ऑफ DC। DC का लेंथ कितना है, 100 माइनस LX।
सिग्मा सिग्मा कैंसर, तो मुझे मिल जाएगा ओवरऑल आई विल हैव, और आर वन क्या है एक्स, आर टू क्या है आर, आर थ्री हमारे पास आर थ्री बाय आर फोर का रेशियो क्या आया एल एक्स बाय 100 माइनस एल एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स। तो आर जो है ये तो मैंने ही सेट किया, मुझे वैल्यू पता होगा इसका। एल एक्स याद करो, याद करो मैंने आपको बताया था कि एसी वायर के नीचे एक स्केल माउंटेड है, राइट। तो मैं डायरेक्टली उस स्केल से रीडिंग लेके ये डिस्टेंस एल एक्स फाइंड कर सकता हूं, इसका मतलब मैं डिस्टेंस 100 माइनस एल एक्स भी फाइंड कर सकता हूं। तो दिस इज नोन, दिस इज नोन, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। तो दिस इज हाउ अ मीटर ब्रिज वर्क्स, वेरी सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक, बहुत इजी है, वेल डिजाइंड। सिर्फ क्या किया, दो मेटल स्ट्रिप लिए, राइट, दोनों के बीच में एक स्ट्रिप लगाया है, स्ट्रेट स्ट्रिप सी थ्री लगाया है, दो एल शेप्ड मेटल स्ट्रिप के बीच में एक 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का वायर माउंट कर दिया। उस वायर को सीरीज में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ और एक की और एक रियोस्टैट लगा दिया। ऊपर जो दो गैप बने उसमें एक में अननोन रेजिस्टेंस, एक में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। जो वायर एसी था उसके नीचे जो है स्केल माउंटेड है, करेक्ट, राइट। अब ये जो बीच का स्ट्रिप है सी थ्री विच इज कॉमन बिटवीन लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, वहां से गैल्वेनोमीटर लगा निकाला है, गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी से कनेक्टेड है। वो जॉकी आप पहले ए पॉइंट पे टच करोगे और सी पॉइंट पे टच करोगे, द रीडिंग शुड गो इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ नॉट तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर है आर टू उसको आप एडजस्ट करोगे और रियोस्टैट को एडजस्ट करोगे, फिर चेक करोगे ए और सी पे टच करके। वंस यू हैव रीडिंग्स इन अपोजिट डायरेक्शंस यू आर रेडी टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट। फिर आप ए से सी तक वो जॉकी को टच करते 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 स्लाइड करते जाओगे, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाएगा, मतलब नेटवर्क बैलेंस हो गया। उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोल दो पॉइंट डी, और जब नेटवर्क बैलेंस होता है तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर आप यूज कर सकते हो। लेकिन आर थ्री मतलब जो वायर एडी का लेंथ है उसका रेजिस्टेंस, और आर फोर मतलब डीसी का रेजिस्टेंस, लेकिन यह तो वायर का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, तो वही किया हमने। तो हमको मिल गया फाइनली x अपॉन r इक्वल टू एल एक्स अपॉन 100 माइनस एल एक्स, राइट। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द डे, कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, और कल हम लोग ये भी देखेंगे कि देयर इज समथिंग मोर इनटू दिस, मतलब ये पहला एप्लीकेशन हुआ किसका, वेटस्टोन्स नेटवर्क का मीटर ब्रिज, और कल हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड एप्लीकेशन इफ इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑफ कोर्स, राइट, करेक्ट। सो योर टास्क फॉर टुडे इज टू गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन, आई विल बी अपलोडिंग लेक्चर एंड नोट्स आफ्टर 12 PM, नोट्स भी मैं स्कैन नोट्स भी अपलोड करूंगा, ये लेक्चर भी करूंगा बट आफ्टर 12 PM बिकॉज मेरा बैक टू बैक क्लासेस है, राइट।